स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट एनी इंस्टेंट। देखो अगर आपको कोई भी एक स्नैपशॉट देगा ऑब्जेक्टिव में कि ये फोटो है वेव की और इसके अंदर वो कोई पॉइंट देगा, मान लो एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट है और इसके ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट आपको क्या देगी, इसकी स्लोप देगी। स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, या तो टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताने जा रहा हूँ, स्लोप से निकलेगा क्या, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये सब गिवन होगा, 10, 20 जो भी होगा स्लोप तो आप डी वाई बाई डी एक्स से निकाल ही लोगे उसकी, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना है। तो ये वेव की आपकी इक्वेशन है वाई, स्लोप क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके करना नहीं आपने, आपने मान लो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पार्टिकल की क्या आएगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी निकाल दी, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी को, तो ये फॉर्मूला आया, इसको आपने याद करना है बस। ये क्या है फॉर्मूला ये सुन लो, ये आपको क्या दे रहा है स्लोप, उस पॉइंट की स्लोप, ये आपको क्या दे रहा है ये वेव की वेलोसिटी है, वेव राइट की तरफ जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, लिख लो दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज वेव वेलोसिटी, और ये क्या दे रहा है डी वाई बाई डी टी, पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि वेव तो राइट जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक वेव की स्नैपशॉट देगा, कोई पॉइंट देगा पार्टिकल का, उस पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे, स्लोप पुट कर दी, आपको वेव की वेलोसिटी देगा मान लो 332 मीटर पर सेकेंड, पुट कर लेना, आपसे पूछेगा उस स्नैपशॉट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, आप यहां से डी वाई बाई डी टी निकाल देना, तो स्लोप और वेव की वेलोसिटी से क्या आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा।